दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू प्रोफेशन वीडियो के साथ, और आज का प्रोफेशन वीडियो है HVAC टेक्नीशियन के ऊपर में। तो दोस्तों अगर आप भी HVAC टेक्नीशियन हैं और अगर टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे पहले भी मैंने अपने दोस्तों की हेल्प से आप लोगों के लिए कुछ प्रोफेशन वीडियोस बनाया है। दोस्तों ये सारे वीडियोस है आप देख रहे होंगे, अगर आपका ये प्रोफेशन इनमें से कुछ है दोस्तों, अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो एक बार जरूर से देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको एग्जाम देने में हेल्प मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आया हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कपड़े पे क्लिक करके मैं चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह से यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज मैं आपको HVAC टेक्नीशियन से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ में शेयर किया, इनका नाम है अभिजीत। तो अभिजीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया और मैं आज का वीडियो अभिजीत भाई के हेल्प से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप किसी में भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसमें कांटेक्ट करके आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कोचिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ही प्रैक्टिकल में क्या टास्क आपको मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको थ्योरी में 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 आंसर रहेगा, जो सही आंसर रहेगा उसके ऊपर सामने आपको टिक लगाने का रहता है। ओके थ्योरी में दोस्तों आपसे 3 टॉपिक ज्यादा सवाल पूछा जाता है। पहला हो गया दोस्तों सेफ्टी, आप क्या सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों आप जो टूल्स यूज करते हैं टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और तीसरा दोस्तों आपका जो पार्ट्स यूज करते हैं अपना प्रोफेशन जो पार्ट्स यूज करते हैं पार्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और उसका सही आंसर जो रहेगा वो आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने में इस तरह क्वेश्चन आता है तो जो सही आंसर है उसके सामने आपको सिर्फ टिकॉट लगाना है। ओके क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में आपको क्या टास्क मिलेगा। रेफ्रिजरेंट साइकिल में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रण किससे होता है? आंसर विस्तार वाल्व। नीचे दी गई छवियों में दिए गए रेडिएशन खतरे की पहचान करें। वेपर कंप्रेशन प्रणाली में कंडेंसर से गुजरने से पहले रेफ्रिजरेंट की स्थिति होती है? आंसर सुपरहीटेड वाष्प। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के इनलेट पर दबाव को कहा जाता है? आंसर सक्शन दबाव। रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन वाल्व से किस में बदला जाता है? आंसर कम दबाव वेपर रेफ्रिजरेंट। नीचे दिए गए इमेज में दिए गए हाई वोल्टेज साइन को पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों में दिए गए प्राथमिक चिकित्सा चिन्ह को पहचाने। एक टन बराबर कितना BTU होता है? आंसर 12,000 BTU। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस किसके बीच जुड़ा होता है? आंसर रिसीवर एंड एवेपरेटर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वैक्यूम क्यों किया जाता है? आंसर मॉइस्चर हटाने के लिए। इनमें से कैपेसिटर कौन सा है? तो दोस्तों ये था कुछ थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, चलिए अब मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में आपको क्या टास्क मिल सकता है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको मिल सकता है कि कंप्रेसर का क्वांटिटी चेक करने के लिए कि कंप्रेसर खराब है या सही है। दूसरा दोस्तों आपको कुछ सिस्टम मिलेगा उसमें लीकेज रहेगा, आपको बोला जाएगा कि लीकेज आइडेंटिफाई करिए। तीसरा दोस्तों हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि कंप्रेसर को वेल्डिंग करना है या कुछ पाइप अगर जुड़ा हुआ होगा बोला जाएगा कि पाइप को निकालना है, ठीक है, ये भी काम आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉन्ट्रेक्टर का वायरिंग करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस तरह का टास्क दिया जाएगा, सबको सेम टास्क नहीं मिलता, सबको डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिलते रहता है।
और आपको दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलता है, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। आप आराम से अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। अब घबराइए मत, आराम से काम करिए, इंशाल्लाह जरूर पास करिएगा। तो दोस्तों आज मैं अभिजीत भाई के हेल्प से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताया हूँ, कुछ टास्क बताया हूँ जो आपके सामने में HBS टेक्नीशियन टेस्ट में आ सकता है। और ये जरूरी नहीं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिले, किसी को सिमिलर भी मिलता है दोस्तों, किसी को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी मिलता है। ओके, टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। आप आराम से कुछ समझ के आंसर दीजिए, इंशाल्लाह जरूर से पास कर जाइएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या मैडम किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट कर जितना जल्दी हो सके मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अभी तक दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसमें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।